जो बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल है ना, कॉरपोरेट की चेन्स है, आपको क्या लगता है ये सेवा करने के लिए है या प्रॉफिट कमाने के लिए? क्योंकि इनके अगर बेड्स की रेट देखी जाए तो एक 3-4 स्टार के होटल के कमरे की वो रेट नहीं है जितना ये हॉस्पिटल के एक बेड का किराया ले लेते हैं। बाहर के टेस्ट अलाउ नहीं करते, बाहर की दवाई, बाहर का सामान अलाउ नहीं करते, और खुद सामान जो ये हॉस्पिटल के अंदर देते हैं ये 3-4 गुना महंगे दाम पे देते हैं। इसका इलाज के नाम पर 10 लाख रुपए से ज्यादा का बिल दिया गया। बिल भरो वरना जेल जाने के लिए तैयार रहो। प्राइवेट अस्पताल किस तरह बच्चे का जन्म यानी डिलीवरी करवाने के दौरान गर्भवती महिलाओं की सेहत से खिलवाड़ करते हैं। एक दवा एक दुकान पर 800 से 1000 में मिल जाती है, वहीं किसी बड़े प्राइवेट अस्पताल के दवा स्टोर पर वही दवा 15000 में मिलती है। 1,90,000 रुपए का दिया और 1,00,000 रुपए का, ऐसे 2,90,000। सबसे पहले पैसे की बात करते हैं, अभी घर में 3-3 लोगों को हो जाए। और ये सब ऐसे देश में हो रहा है जहाँ पे 7% लोग गरीबी रेखा से नीचे सिर्फ मेडिकल एक्सपेंस की वजह से हैं। बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिनका काम बहुत, धंधा बहुत बढ़िया चल रहा था, पर परिवार में एक सदस्य को बीमारी हुई और उसके चक्कर में उनकी संपत्ति प्रॉपर्टी सब चली गई और अब गरीबों वाला जीवन जी रहे हैं। ऐसे भारत में लोगों की संख्या है 5.5 करोड़ और हर साल ये संख्या बढ़ती जा रही है। 23% लोग भारत में ऐसे हैं जो कि मेडिकल सुविधा अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे हैं भाई साहब। 2001 से लेकर 2015 के डेटा के अनुसार टोटल 3,80,000 लोग ऐसे हैं जिन्होंने आत्महत्या कर ली क्योंकि भैया मेडिकल का बिल ही नहीं चुका पा रहे थे। तो क्या करें ऐसी स्थिति में? इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स का क्या फर्ज बनता है? इनको देश के लिए क्या करना चाहिए और ये क्या कर रहे हैं? भारत देश में जहां ऐसी परिस्थितियां बनी हुई है, ऐसे ऐसे लोग रह रहे हैं, ऐसे ऐसे किस्से हो रहे हैं, वहां पे प्राइवेट हॉस्पिटल सेवा की जगह क्यों लूट रही है? क्या ये वास्तव में लूट रही है? ये सभी चीजें मैं आपको फैक्ट के साथ, डाटा के साथ, स्टोरीज के साथ बताऊंगा और आपकी आंखों के सामने पूरा सच लेके आने वाला हूं। अब ये वीडियो बनाने में रिस्क है, मुझे बहुत सारे लोग मना कर रहे हैं कि भैया क्यों बड़े बड़े लोगों से पंगा लेता है, लेकिन ठीक है, सच आपके सामने आना जरूरी है। आपसे सिर्फ एक निवेदन है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, तो जितने ज्यादा लोगों की इस वीडियो के पीछे ताकत होगी उतना ज्यादा मैं सेफ महसूस करूंगा। तो करते हैं वीडियो की शुरुआत। एक सवाल आपके मन में आएगा कि सर आजकल तो भाई साहब मेडिकल की सुविधा इतनी उन्नत है, दुनिया भर के इंश्योरेंस है, सारी चीजें अगर जेब से लगती भी है तो क्या इंश्योरेंस कंपनियां भुगतती हमारे क्या? सर ऐसा हमको लगता है, रियलिटी कुछ और है। WHO का डेटा ये कहता है कि भारत में जो भी व्यक्ति इलाज कराते हैं उसका टोटल का 67.78% पैसा वो अपनी जेब से लगाते हैं, बाकी का पैसा ही उनको इंश्योरेंस से मिल पाता है। क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जहां पे इंश्योरेंस करवाते टाइम उनको नॉलेज नहीं है तो वो कई चीजें ऐसी कवर नहीं कर पाते जो उनको जेब से देनी पड़ती है, और बहुत सारे ऐसे भारतीय हैं जो कि इंश्योरेंस के बारे में जानते ही नहीं, और जो लोग जानते भी हैं उनके पास इतना पैसा ही नहीं है कि भैया साल में प्रीमियम समय से जमा करा सके। तो जब भी आपदा आती है इतने परसेंट पैसा जेब से लगाना पड़ता है, और ग्लोबल एवरेज की बात करें ग्लोबल एवरेज है मात्र 18.2%। मतलब आउट ऑफ इंडिया कहीं भी कुछ होता है 18 रुपए भैया जेब से लगते हैं, बाकी इंश्योरेंस कंपनी देती है, हमको इतना ज्यादा देना पड़ता है। इसीलिए भारत में किसी भी परिवार में बीमारी आना एक बहुत बड़ी आफत है। एक दूसरा सवाल, सर प्राइवेट अस्पताल में जाना ही क्यों, सरकारी अस्पताल में तो दुनिया भर की सुविधाएं हैं। आपकी बात सही है, भारत में इस समय टोटल 69,234 के आसपास हॉस्पिटल हैं जिसमें से 45,000 से ज्यादा तो हॉस्पिटल प्राइवेट है और लगभग 25,000 कुछ हॉस्पिटल जो है वो है गवर्नमेंट। तो टोटल अगर हम हमारे हेल्थ केयर सेक्टर की बात करें तो हमारे पास 62% लोगों को प्राइवेट में ही जाना पड़ता है, इतनी तो भैया अस्पताल में जगह ही नहीं है। एक एक्सरे के लिए सरकारी अस्पताल में 3-3 दिन की लाइन लग जाती है, तो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना हमारी मजबूरी बन जाता है। आपकी और मेरे लिए खुशी की बात है, ये हॉस्पिटल के लूट का मुझे भी पता था, आपको भी पता था, लेकिन भैया बोलने में डर लगता था, अपन कुछ बोले भैया बड़े लोग हैं एक्शन ले ले, आप टेंशन मत लो। ये जो बातें मैं बोल रहा हूं ना, ये मैं नहीं बोल रहा, ये वही बातें अब CCI भी बोल रहा है, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया भी बोल रहा है, और पिछले काफी समय से इन्होंने 12 ऐसे हॉस्पिटल हैं जिसके खिलाफ एक इन्वेस्टिगेशन चालू की थी जिसका रिजल्ट अभी आ चुका है और CCI इस पे एक बहुत बड़ी पेनल्टी लगाने वाला है। तो ये पूरा मैटर क्या था इसको एक बार समझते हैं। 2015 में वेग शर्मा जी ने दिल्ली के एक हॉस्पिटल मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से एक सिरिंज ली भाई साहब, वो सिरिंज उनको पड़ी 19 रुपए 50 पैसे की,
और उन्होंने प्राइवेट जाके किसी और केमिस्ट से ली तो उनको पड़ी 11 रुपए 50 पैसे की। अब 8 रुपए में क्या ही फर्क पड़ता है, लेकिन भैया विवेक जी को फर्क नहीं पड़ता था। विवेक जी ने लगा दी रिट सीसीआई में कि भैया पैसे मेरे से ज्यादा ले रहे हैं, और उसी कंप्लेन को आधार बना के सीसीआई ने 12 से ज्यादा हॉस्पिटल पे रिसर्च की, इन्वेस्टिगेशन की और कुछ फैक्ट लेके आए। तो फैक्ट आपके सामने शेयर करते हैं। तो जो आपकी हमारी बातें थी अब ऑफिशियल हो चुकी है, सरकारी हो चुकी है। ये 4 दिन पहले की खबर है, कंप्लेन हुई थी 2015 में, 4 साल उन्होंने इन्वेस्टिगेशन में लगाए, 2022 में जाके इन्होंने रिपोर्ट सार्वजनिक की है। वो कहते हैं भैया जो मैक्स है, फोर्टिस है, अपोलो है और कुछ ऐसे हॉस्पिटल हैं जो कि पेशेंट्स को ओवरचार्ज कर रहे थे। बात ऑफिशियल हो चुकी है। कौन कौन से हॉस्पिटल पे इन्वेस्टिगेशन की, भाई साहब आपका इसमें आता है अपोलो आता है, मैक्स हेल्थ का आता है, फोर्टिस आता है, सर गंगाराम हॉस्पिटल आता है, बत्रा हॉस्पिटल आता है, सेंट स्टीफन हॉस्पिटल आता है, ऐसे करके और इनकी कुछ ब्रांचों पे मिला के टोटल 12 से ज्यादा ब्रांचेस पे इन्होंने इन्वेस्टिगेशन की थी। और अब ये पेनल्टी लगाने के मूड में है कि 10% पेनल्टी लगाएंगे एवरेज टर्नओवर की। तो एग्जांपल अगर देखें तो अपोलो का 3 साल का टर्नओवर मिला के है 12,206 करोड़, तो कुल मिला के आप मोटा मोटी माने कम से कम 5,000 से 10,000 के आसपास की पेनल्टी एक्सपेक्टेड है सभी ब्रांचेस पे। इन पे चार्जेस क्या लगाए गए, भैया क्या गलतियां करी, देखो भाई साहब अनफेयर और एक्सेसिव प्राइस किसके लिए, रूम रेंट करने के लिए, दवाइयों के लिए, मेडिकल टेस्ट के लिए, मेडिकल डिवाइस के लिए, कंज्यूमेबल के लिए, हर चीज के लगभग डबल ट्रिपल पैसे चार्ज कर रहे हैं। और सरकार ने यह बात अपनी इन्वेस्टिगेशन में पाई है। ये रिपोर्ट और क्या कहती है, ये रिपोर्ट कह रही है कि भैया देखो इन्होंने ना सिर्फ ये किया, इसके अलावा चार्ज किया है किसके लिए, मेडिकल टेस्ट के लिए, एक्सरे के लिए, एमआरआई के लिए, अल्ट्रासाउंड के लिए और जितनी भी अदर डायग्नोस्टिक सेंटर है उससे कहीं ज्यादा रेट चार्ज किए भाई साहब। इसके अलावा ये क्या कहते हैं, दे डू नॉट अलाउ द यूज ऑफ परचेज ऑफ कंज्यूमेबल मेडिकल डिवाइस और एनी अदर टेस्ट फ्रॉम आउटसाइड, बाहर के अलाउ नहीं करेंगे और हम करेंगे तो डबल चार्ज करेंगे। तो ये बात हम नहीं बोल रहे, अब तो सरकार बोल रही है, खुल के बोलो बिना डरे। इन सभी चीजों को करने से इनके रेवेन्यू पे कितना फर्क पड़ता है, इनकी सेल कितनी बढ़ती है, सोचो सर सेवा वाली चीज है पर सेल में कैलकुलेट कर दी गई सेल कितनी बढ़ गई, या चेक करा जा रहा भैया प्रॉफिट कितना बढ़ गया। और इन सभी चीजों को यूज करके, ट्रिक को यूज करके, धांधलिया करके, अनफेयर प्रैक्टिस करके इनके टर्नओवर किस गति से दौड़ रहे हैं, इनका प्रॉफिट किस गति से बढ़ रहा है, एक एग्जांपल से अपन देखते हैं। और ये फैक्ट है, आप जाके वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। अपोलो का एग्जांपल लेते हैं सबसे पहले, अपोलो जी ठीक है सर, इनका 2022 का टर्नओवर है 14,740 करोड़ रुपए मात्र। तो आप बोलोगे राहुल जी यार इतना बड़ा ग्रुप है यार, गजब टर्नओवर है, लेकिन इनकी एक बार ग्रोथ देखो, लास्ट ईयर का टर्नओवर कितना था पता है, मात्र 10,609 करोड़। एक साल में कितना बढ़ गया, लगभग 40% रेवेन्यू बढ़ाया भाई साहब 21 से 22 में। ग्रोथ देखो, देखिए आपने बिजनेस में कभी इतनी ग्रोथ, सर वो तो कोविड ओविड के चक्कर में हो गया होगा, ये बात भी सही है। और थोड़े पहले का देख लेते हैं, 2018 का देख लेते हैं, 18 का इनका टर्नओवर था मात्र 8,227 करोड़, भाई साहब लगभग डबल चले गए 18 के बाद से। ऐसा क्या हो गया भाई साहब, लोग ज्यादा बीमार होने लगे क्या, वही बेड है वही कैपेसिटी है, कहां से आया रेवेन्यू। अब बोलेंगे सर ये तो रेवेन्यू की बात है, चलो प्रॉफिट पे बात करते हैं, प्रॉफिट आ जाओ सर, प्रॉफिट है 2022 का प्रॉफिट है 1101 करोड़। तो बोलोगे 1101 करोड़ का प्रॉफिट है, कोई बात नहीं प्रॉफिट हो जाता होगा सर, इनका 2021 का प्रॉफिट देख लो बस एक बार, 2021 का प्रॉफिट मात्र है 136 करोड़। रेवेन्यू प्रॉफिट कितना बड़ा है, 709%। रेवेन्यू कितना बड़ा, 40%। प्रॉफिट कितना बड़ा, 700%। तो आपके मन में एक सवाल आएगा, अच्छा राहुल जी इतना प्रॉफिट हो रहा है, ये दो चीजें तो आपने हमको बता दी कि चलो ठीक है, ये है ना बाहर के टेस्ट अलाउ नहीं कर रहे और खुद के टेस्टों के रेट बढ़ा रहे और दवाइयों के भी रेट बढ़ा रहे। दवाइयों में तो एक अलग लेवल का गेम हो रहा है, क्या है देखो, दवाइयों की गवर्नमेंट ने लेट रेट कह दिया कि भैया एमआरपी से ज्यादा नहीं बेचोगे, तो हॉस्पिटल वगैरह कहते हैं हाँ सही बात है भैया हम एमआरपी से ज्यादा नहीं बेचेंगे। और ऐसा जांच में पाया गया कि यार एमआरपी से ज्यादा ये दे भी नहीं रहे, बस ये एमआरपी ही थोड़ी बढ़ा देते हैं। इस पे एक पूरी रिपोर्ट है, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइस अथॉरिटी एनपीपीए की रिपोर्ट है, उसकी रिपोर्ट का एक पेज का स्क्रीनशॉट दिखाता हूं, आपको गेम समझ में आएगा। सिरिंज है डिस्पोजेबल, ये लाइफ लॉन्ग करके कुछ होगा इनका टेक्निकल टर्म। जो परचेस प्राइस है हॉस्पिटल का वो कितना है, 2.07 रुपए, परचेस प्राइस कितना है 2.07 रुपए, पर उस पर जो एमआरपी लिखवाई है वो कितनी है,
23 रुपए। अब ये कहते हैं अपने पेशेंट्स को कि भाई तुम्हें एमआरपी पे तो दे रहे हैं, ज्यादा थोड़ी ले रहे हैं, पर एमआरपी तो तुमने ही लिखवाई है बाद में, और मार्जिन कितना है 1697%, 17 गुना रेट भाई साहब। एक कोई दूसरी टाइप की सिरिंज है 2.08 रुपए की, वापस 23 रुपए, 14 गुना मार्जिन। ये भाई साहब 3 रुपए का कोई सामान 35 रुपए में, 15 गुना मार्जिन। इससे नीचे तो बात ही नहीं करते, ये पूरे का एवरेज है 6 गुना 7 गुना से नीचे बात थोड़ी करते हैं। तो अब आप नोटिस करोगे ये जो पर्टिकुलर चीज, ये सिरिंज जो ली है, आप अगर बाजार से लेने जाओगे तो बाजार पे उस पे एमआरपी लिखी होगी 5 रुपए की, पर जब हॉस्पिटल खरीदता है तो ये उसको बोलता है फार्मा वाले को कि भाई तेरे से बल्क में लेंगे, एक साथ एक ट्रक दो ट्रक पांच ट्रक माल लेंगे, लेकिन एमआरपी हमारे लिए अलग से लिख के देगा, क्योंकि अलग से एमआरपी लिख के देगा तो गवर्नमेंट हम पे एक्शन नहीं ले पाएगी। यह है इनके गेम भाई। लोग वीडियो में इससे आगे बढ़े इससे पहले एक आपसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के दोबारा, कि अगर ऐसा जो भी मैं इंसिडेंट्स आपको बता रहा हूं, ऐसी घटना आपके साथ कभी घटी हो, मेडिकल में आपके साथ बिल बढ़ा दिया हो या किसी और का है, तो कमेंट बॉक्स में इसको जरूर मेंशन करना, और जिन भी लोगों के साथ ऐसी चीजें हुई है या आपने देखी है उनको जरूर फॉरवर्ड करना, ताकि जो लोग इन चीजों के चक्कर में फंस जाते हैं उनसे बच जाएं। अभी मैं आपको 2-4 चीजें और बताता हूं जो कि इससे भी ज्यादा खतरनाक है। किसी भी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में जाओगे तो वहां पर डॉक्टर्स हायर करते हैं बाकायदा अच्छे अच्छे पैकेज पे हायर करते हैं, भाई 2 लाख रुपए महीने की सैलरी, 3 लाख महीने की सैलरी। किसी एक डॉक्टर से हमारे कोई मित्र है, उनसे जब बातचीत की, उन्होंने एक चीज रियलाइज की, और आपकी भी जानकारी में कोई पूछिएगा, बड़े बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में इन डॉक्टर्स को टारगेट दिए जाते हैं कि भैया 3 लाख की सैलरी दे रहे हैं ना भाई साहब, कम से कम 15 लाख का तो धंधा चाहिए, कम से कम इतनी तो भैया टेस्ट कराओ, कम से कम इतनी जांच होनी चाहिए, कम से कम इतनी सर्जरी होनी चाहिए, ऐसे टारगेट दिए जाते हैं। और वो टारगेट के चक्कर में कई बार ऐसी सर्जरियां भी हो जाती है जिसकी जरूरत नहीं थी। तो कई बार आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि आप किसी बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में गए, उन्होंने कहा भैया इसका तो अभी ऑपरेशन होगा, अभी सर्जरी होगी, और आपने कहा कि चलो एक बार सेकंड ओपिनियन ले लेते हैं, और जब आप अपने डॉक्टर के पास गए, फैमिली डॉक्टर के पास, उसने कहा भैया इतनी जरूरत नहीं है, दवाई लो और मस्त रहो, और वो बंदा बिना ऑपरेशन के भी चल रहा है, तो अगर आप आ जाते तो वो सर्जरी हो जाती। एक सवाल कि सर जब टेस्ट की जरूरत ही नहीं है तो टेस्ट कर लेते हैं तो उसमें होता क्या है? इन टेस्ट को कहते हैं सिंक टेस्ट। सिंक टेस्ट का मतलब है कि भैया आपको कहा ब्लड टेस्ट होगा, आपका ब्लड टेस्ट किया, अब जरूरत तो थी नहीं, आप तो फिट बॉडी थे, तो आपका ब्लड टेस्ट लेके वो टेस्ट मशीन में भी नहीं जाएगा, वो ब्लड टेस्ट आया, ब्लड टेस्ट साइड में पड़ा है, और बाद में आपके पास रिपोर्ट आ जाएगी कि हाँ जी लो जी रिपोर्ट आ गई साहब, अभी तो कुछ भी नहीं है, बस वो टेस्ट करवाना था, है कुछ भी नहीं। तो सिंक टेस्ट चलो हो गया, अननेसेसरी सर्जरी हो गई। आपने एक चीज नोटिस की होगी, गायनोकोलॉजी सेक्शन की अगर अपन बात की जाए, जहां पे प्रेगनेंसी होती है, तो आप ये डेटा आराम से ध्यान रखिए, गवर्नमेंट में जब डिलीवरी होती है वहां पे 14.3% ऐसी डिलीवरियां हैं जो सी सेक्शन से होती है, नॉर्मल डिलीवरी 86% डिलीवरी नॉर्मल होती है, पर अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में चले गए तो प्राइवेट हॉस्पिटल में 47.4% डिलीवरी सी सेक्शन से होती है, नॉर्मल डिलीवरी होती नहीं, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी में उतना मार्जिन नहीं है ना भाई साहब। अब आप बोले नहीं सर हो सकता है अर्जेंसी हो, लेकिन इफेक्ट तो कुछ और कहता है कि गवर्नमेंट में 14 तो भैया वहां पे 47 क्यों? तो सिर्फ मुनाफे के लिए, सिर्फ मार्जिन के लिए ऐसी हरकत कर देना, यहां पे मैं कहता हूं कि भैया आपको अपने प्रोफेशनल की एथिक्स के बारे में थोड़ा सा सोचना चाहिए। प्रॉफिट कमाने के 1000 तरीके हैं, ले रहे हो ना 2 रुपए की सिरिंज के 20 रुपए, ले लो भाई साहब यहां से तो छोड़ दो। उसके अलावा कॉर्पोरेट हॉस्पिटल के नाम में ही कॉर्पोरेट नहीं है, प्रॉपर कॉर्पोरेट जैसे बिहेव करते हैं, इनकी अलग से मार्केटिंग टीम होती है। अरे भाई साहब तुम डॉक्टर्स की टीम एक्स्ट्रा रखो, तुम सपोर्ट की टीम एक्स्ट्रा रखो, तुम नर्स की टीम रखो। बोले सर वो तो सब भाई मार्केटिंग टीम अलग से है, उसका काम क्या है? नए नए ऑफर निकालते हैं भाई साहब। अरे सर कोई सब्जी ले रहे हैं, आलू ले रहे हैं, धनिया ले रहे हैं, 20% ऑफ निकालते हो, यहां लगाएंगे सब। देखो जी 20% ऑफ है कंसल्टेशन के लिए, आ जाओ प्लीज। 15% भैया इस पे दे देंगे, कोई हेल्थ चेकअप कराएगा तो भैया उस पे 20% दे देंगे, कोई टेंशन नहीं है भैया स्किन केयर का ट्रीटमेंट कराना है 20% ले लो। भाई साहब ये ऑफर है क्या? अभी तुम्हारी किडनी एक्सचेंज कर देंगे, एक किडनी पे एक किडनी फ्री, आ जाओ। इस तरह की मार्केटिंग टीम वाले छोटे हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स के आसपास घूमते हैं कि भैया कोई दिक्कत आ रही हो, कोई बंदा पेशेंट तुमसे नहीं हो रहा, यहाँ पेशेंट को तुम रखोगे 10,000 फीस आएगी, तुम हमारे हॉस्पिटल में रेफर कर दो, 1 लाख का बिल बनाएंगे, 30% कमीशन है, ये लो जी 30,000।
तो कई बार कुछ हॉस्पिटल्स में ऐसा भी होता है कि भैया रेफरल आ गया, एम्बुलेंस वाले को कह दिया भैया एम्बुलेंस में मरीज आए इधर लेके आ जाना, इतने रुपए बन जाएगा, तो जो डॉक्टर पास में है उसको छोड़ के भैया वो 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा लेके आ रहा है, मरीज की जान से खेल गया जरा से कमीशन के लिए। एक स्किन स्पेशलिस्ट मेरे दोस्त हैं, वो कहते हैं सर जी ये जो स्किन वाली चीजें हैं बहुत सेंसिटिव है कि लेजर टेक्निक से ऑपरेशन होता है, कुछ भी उकचुक हुई तो बंदे की प्रॉब्लम हो सकती है, 10 चीजें देखनी पड़ती है। लेकिन हमने ऐसे बहुत सारे ऐड देखे हैं कि भैया पहले मेरे बाल ऐसे थे, अब ऑपरेशन के बाद मेरे बाल ऐसे हो गए, पहले चेहरा ऐसा था अब चेहरा ऐसा हो गया। भैया जिसको प्रॉब्लम होगी जरूरत होगी आ जाएगा ना, इस चीज की मार्केटिंग की जरूरत है आपको। और जो नेक्स्ट लेवल की चीज है, जो एक मूवी थी गब्बर इज बैक जिसमें अक्षय कुमार जी का एक सीन था, वो भी आपने देखा होगा, और ये सीन यहां से प्रेरित था। मुरादाबाद में एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, वो डेड बॉडी को ऑपरेट कर रहा है, आदमी मर चुका है भैया अंदर बैठा है, उसको परिवार घर वाले कह रहे हैं 2 दिन अभी वेंटिलेटर पे है, अभी इस पे है, भैया पैसे लाए जाओ। ऐसे भी न जाने कितने किस्से हम आसपास की लाइफ में देख चुके हैं। मैं समझ सकता हूँ ये वाली वीडियो देख के, इतने सारे फैक्ट देख के आपका मन थोड़ा सा विचलित हो गया, अगर राहुल जी जाए तो जाए कहाँ, गवर्नमेंट में सुविधा नहीं है और जहाँ सुविधा है तो लूट लेते हैं। सर एक चीज है, आपके पास बीच का भी तो ऑप्शन है, कई ऐसे डॉक्टर्स भी तो हैं जो कॉरपोरेट हॉस्पिटल ना करके खुद का एक हॉस्पिटल लेके बैठे हैं, छोटा सा क्लिनिक है उनका, 10 बेड 20 बेड 25 बेड का हॉस्पिटल है। लेकिन ऐसे कई लोग हैं जो मैं जानता हूं पर्सनल में, वो कहते हैं सर जी हम सेवा करना चाहते हैं, जिस चीज के हॉस्पिटल में भैया बेड है पैकेज है, एक बार काम करो सर जी, नॉर्मल हॉस्पिटल का पैकेज ये है, डिलक्स रूम का पैकेज ये है, सुपर डिलक्स का पैकेज ये है। और उसमें इंटरेस्टिंग चीज क्या होती है पता है, नॉर्मल रूम में दवाई जाएगी वो 10 रुपए की जाएगी, डिलक्स रूम में जो दवाई जाएगी वो 25 रुपए की जाएगी, और सुपर डिलक्स में जो जाएगी वही दवाई 50 रुपए की बिलिंग होगी साहब। वहां पे जो कंसल्टेंट जाएगा इधर जाएगा तो 1000 रुपए, उधर जाएगा तो 2000, उधर जाएगा तो 5000। भैया रूम बदलने से दवाई की रेट और कंसल्टेशन की रेट कब से चेंज होने लग गई, पर ये तो सारी चीज कर रहे हैं। और जब ये चीज हम डिस्कस करते हैं डॉक्टर से, कहते हैं सर हमारे हॉस्पिटल में भी दुनिया भर की सुविधाएं, जितनी वो देते हैं हम दे सकते हैं, पूरा केयर देंगे, लेकिन भैया जनता को भी तो ब्रांड चाहिए। हमारा तो भैया बंदा है, हमारे पिताजी तो फलाने ढीम के हॉस्पिटल में हमने कराया, इतने लाख का खर्चा आया हमारे पिताजी को। सर अच्छी बात है, मैं ये नहीं कह रहा कि यहां जाए वहां ना जाए, बड़े हॉस्पिटल में सुविधा भी होती है, लेकिन बहुत सारे ऐसे टेस्ट हैं, 100 में से 90 चीजें ऐसी है जो छोटे अस्पताल में, छोटे क्लिनिक में, जनरल हॉस्पिटल में, बी वोकल फॉर लोकल। आपके आसपास बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जिन्होंने छोटी मोटी चीजों में आपको संभाला है, उनकी राय लीजिए, उनके साथ रहिए, उनको भी मौका दीजिए। सारी चीजों का कंसंट्रेशन देखो क्या है, आप सब लोग डिस्काउंट के चक्कर में, सुविधा के चक्कर में, ब्रांड के चक्कर में, मार्केटिंग के चक्कर में फंस के बड़े हॉस्पिटल से बात भागते हैं और फिर रोते हैं मैं लूट लिया। अरे भैया उनको छोड़िए, इनको भी तो मौका दीजिए। कई हॉस्पिटल से जहां पे ऐसी चीजें हैं जो कहीं ऑप्शन ही नहीं, जहां ऑप्शन नहीं है तो वहां आप कुछ नहीं कर सकते, पर जहां ऑप्शन है इनको भी मौका दीजिए। अब जाते जाते एक रिक्वेस्ट है सर, 2-4 बड़े ब्रांड का नाम ले दिया है, इनके अंदर की बातें बता दी है, ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर होगा, ज्यादा लोगों तक पहुंच जाएगा, मैं सेफ फील करूंगा। तो अगर आपके साथ कुछ हुआ है चैट बॉक्स में बताओ, किसी और के साथ हुआ है चैट बॉक्स में बताओ, अपने और अपने परिवार के साथ शेयर कीजिए, लोगों को सावधान कीजिए, सतर्क कीजिए। और सभी मेरा डॉक्टर से निवेदन है सर, बहुत सारी चीजें हैं करने को, बहुत सारी, लेकिन ये जान पे खतरा लेके या किसी गरीब के साथ ऐसा बर्ताव ना कीजिए। धन्यवाद, अगली वीडियो में जल्द मिलेंगे।